सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राज्यसभा में बोल रहे थे। धन्यवाद प्रस्ताव पर उनको अपना भाषण देना था, लेकिन उन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि वो धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हैं। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर मुसलमानों की अनदेखी कर और अब मुसलमानों के लिए काम करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। एक बार देखिए दिग्विजय सिंह किस तरीके से मुस्लिम समाज को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। जिस दंगों में 2500 लोग मरे हो उसकी माफी मांगने तैयार नहीं था। जो व्यक्ति टोपी पहनने में तैयार नहीं था, जो व्यक्ति केंद्र सरकार का मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में तैयार नहीं था, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए भी राष्ट्रपति जी के रोजा अफ्तार में जाने के लिए तैयार नहीं था, वो आज सबसे पहले भाषण में कहते हैं हमें अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करना। मैं उन्हें बधाई देता हूं। कैसे विश्वास प्राप्त होगा माननीय सभापति महोदय? ये सांप्रदायिकता का जहर कूट कूट कर आप लोगों ने भर दिया है। ये भूत, ये जिन बोतल में जो बंद था वो निकल गया है और उस बोतल में वापस डालना आसान नहीं है। आप कितना ही यहां पर आप चेयर को देखकर संबोधित करें, आप कितना ही चाहते हुए भी मुस्लिम भाइयों के प्रति, किस ईसाई भाइयों के प्रति, सिख भाइयों के प्रति उनका सबका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करें, लेकिन आपके फुट सोल्जर्स जो पूरे देश में आपने उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके हर चाल चलन में जहर भर दिया है, उसका परिणाम झारखंड में उस लड़के के साथ हुआ। ठीक है, अगर उसने चोरी की थी तो आपको क्या अधिकार था कि 18 घंटे तक एक इलेक्ट्रिक पोल में बांधकर उसकी पिटाई करें? अरे वहां क्या सरकार है, वहां का पुलिस क्या कर रही थी, क्या कर रही थी वो पुलिस जो 18 घंटे तक उसकी पिटाई होती रही उसके बावजूद भी देखने तक नहीं आई। अब बताते हैं 11 लोगों गिरफ्तार किया, कौन सी धारा में गिरफ्तार किया, ये साहब पता नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, इस पूरे देश में जो सांप्रदायिकता का जहर बो दिया है और शुरू से बोया जाता है शिक्षा बच्चों के मन में, आज मुझे इस बात का दुख है, बड़ा दुख होता है माननीय उपसभापति, जब नई विधान लोकसभा में एक तरफ से नारा लगता है जय श्री राम, दूसरे तरफ नारा लगता है अल्लाह अकबर। ये भारत की संसदीय परंपरा का में ये हालात में आप लोगों ने पहुंचा दिया है। ये जहर आसानी से नहीं मिटेगा, कितनी कोशिश कर लीजिए सस्तबुद्धे जी, ये जहर अब कूट कूट कर आपने इस देश की जनता में भर दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे और कह रहे थे कि हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स की है। उपसभापति महोदय, वोट बैंक पॉलिटिक्स से सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो कांग्रेस पार्टी को होता है। जहां जहां कम्युनल राइट्स होते हैं वहां वहां हिंदू मुसलमान बढ़ जाता है और आज पूरे देश में किस प्रकार के लोग आज नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, वो लोग उभर कर सामने आ रहे हैं जो हिंदुओं को भड़काते हैं हिंदुओं में और मुसलमानों को भड़काते हैं मुसलमानों में। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय आज हमारे देश में है। सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले।